दिल्ली के लेक कोमो में आयोजित एक बेहद निजी समारोह में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने शादी कर ली। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस हाई प्रोफाइल शादी में चुनिंदा मेहमान ही शामिल हुए, जो लेक कोमो के इसी खूबसूरत विला दिल बेल्वेनेलो में हुई। दो दिन चलने वाले समारोह के पहले दिन दीपिका और रणवीर ने कोंकणी रीति रिवाज से शादी की। आज के दिन और कल के दिन दो अलग अलग रस्मों अनुसार इस विवाह को पूरा किया जाएगा, एक कोंकणी रस्म के साथ और दूसरा जो है सिंधी परंपरा के मुताबिक। दीपिका और रणवीर की शादी इतनी गोपनीय रखी गई कि उसकी कोई तस्वीर तक बाहर नहीं आ पाई। बताया गया कि जिस बंगले में दोनों की शादी हुई उसके आसपास के पूरे इलाके को नो इंटरनेट जोन बना दिया गया, ताकि कोई भी मेहमान शादी में खींची गई तस्वीरों को बाहर के लोगों से शेयर न कर पाए। यही नहीं, मीडिया को भी बंगले के आसपास नहीं पहुंचने दिया गया। जनता को दूर रखने का पूरा इंतजाम किया गया है, बहुत कड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस का पहरा भी आज से शुरू हो चुका है। हालांकि बंगले के बाहर झील से लिया गया एक वीडियो जरूर सामने आया, जिसमें कुछ लोग विला के टेरेस पर खड़े दिखाई दिए। खबर ये भी है कि दीपिका और रणवीर ने अपनी शादी में तोहफे नहीं लेने का फैसला किया और तोहफे देने की इच्छा रखने वालों को दीपिका के एनजीओ लिव लव लाफ फाउंडेशन को दान देने का रास्ता सुझाया गया। इटली में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी के बाद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लेक कोमो की खूबसूरत विला डेल बेल्विनालो में हुई शादी में पहुंचे मेहमान नाव के जरिए वहां से लौटते हुए दिखाई दिए। इनमें से कुछ लोग छाता की मदद से अपने चेहरे छिपाने की कोशिश भी करते नजर आए। यहां तक कि नाव में बैठने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने चेहरे से छाता नहीं हटाई। शादी से लौट रहे मेहमानों की सुरक्षा के लिए वहां कुछ सुरक्षाकर्मी नाव में गश्त करते भी दिखे।